खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो धड़कनें आपकी बढ़ी हुई हैं कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कल सबसे तेज नतीजे हम एबीपी न्यूज पर सुबह 6 बजे से आपके लिए लेके आएंगे। हर सीट का विश्लेषण भी होगा, एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ होगी। और ये देखिए, ये काउंटडाउन मैं आपको दिखा रही हूँ, 19 घंटे 19 मिनट 50 49, हर सेकेंड घड़ी का जो कांटा है वो आगे बढ़ रहा है और इंतजार की घड़ियां आपके लिए कम होती जा रही हैं। सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। हम आपको बता दें कि करीब 20 घंटे का वक्त बचा हुआ है, काउंटिंग का काउंटडाउन चल रहा है। पूरे देश की नहीं, दुनिया भर की निगाहें नतीजों पर है और उधर गांधी परिवार वर्सेस मोदी की जो जंग है वो भी लगातार जारी है। एग्जिट पोल के बाद राजनीति के जानकारों के बीच ये विश्लेषण लगातार जारी है कि आखिर मोदी ने कैसे विपक्ष को पस्त किया, कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हमलों की धार बेकार होती हुई हो गई। कल राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन हफ्ते भर पहले तक गांधी परिवार और मोदी के बीच कैसे जंग का अखाड़ा बना, ये चुनाव कैसे जंग हुई इस सियासत में, आइए आपको वो दिखाते हैं। INS विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। कि अब चुनाव आ रहा है तो बातें हो रही है 60 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। इंदिरा जी ने ऐसे किया, नेहरू जी ने वैसे किया, राजीव जी ने ऐसे किया, ये बातें हो रही है। अरे अरे सदी में तो आइए, इधर तो आइए, अपने पांव जमीन पर तो लाइए। जनता पूछ रही है आपने हमारे लिए क्या किया, पिछले 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया। तो गांधी वर्सेस मोदी आपने देखा, लगातार प्रियंका गांधी ये कहती रही कि आप अपने 5 साल के काम बताइए ना, आप मेरे परिवार को लेकर क्यों पीछे पड़े रहते हैं। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन से भ्रष्टाचारी नंबर कहकर मोदी ने चुनावी मुद्दा बनाया तो कांग्रेस तिलमिला गई। राहुल गांधी तो इस पर ज्यादा नहीं बोले, लेकिन प्रियंका ने कहा कि मोदी को उनके परिवार के बारे में बोलने की सनक सवार है। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार यह अहंकार आपको खा जाएगा, यह अहंकार आपको छोड़ेगा नहीं। ये देश गलतियां माफ करता है, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। जिनको यह सनक है मेरे परिवार के बारे में, कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं, 50% इनका जो चुनावी भाषण होता है यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इतनी पूरी सत्ता लेकर इन्होंने क्या किया। तो लगातार वार पलटवार जारी है, मोदी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया तो साथ ही कांग्रेस पर ये कहकर बड़ा हमला बोला कि उसके दिल में सेना के लिए कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेसियों के लिए सेना सिर्फ रक्षा सौदों के जरिए मलाई खाने का ही जरिया है। तो राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री ने रफेल सौदे में चोरी करवाई है। एग्जिट पोल की माने तो रफेल वोट दिलाने में फेल दिखाई दे रहा है, कांग्रेस सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुनते ही, एयर स्ट्राइक का नाम सुनते ही इतनी घबरा क्यों जाती है।
इतना बौखला क्यों जाती है? जिस प्रकार से सेना के प्रति कांग्रेस का रवैया रहा है, ये देखते हुए मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कांग्रेस को कभी भी देश की सेना पर भरोसा नहीं था। रक्षा सौदों में चाहे बोफोर्स हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, मलाई खाने के सिवाय उनके लिए सेना का कोई महत्व ही नहीं है। वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की, वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की और उसी वायुसेना से चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। पूरा देश जानता है कि एचएएल से नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना के पायलट से नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाला। तो ये तो सेना को लेकर वार पलटवार चला। चुनाव के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी ले आए। उन्होंने कहा, वाड्रा को जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, 5 साल और दीजिए ताकि उन्हें जेल के अंदर कर सकूं। जाहिर है इसका जवाब प्रियंका को तो देना ही था। उन्होंने कहा, जो कुछ करना हो करिए, जनता के मुद्दों का जवाब तो दीजिए कम से कम। कांग्रेस को ना तो जवानों के सम्मान की फिक्र है और कभी नहीं, और ना ही किसानों के सम्मान की। इन्होंने तो किसानों की जमीन पर भी भ्रष्टाचार की खेती की है। सबूत देश के सामने है, सबूत हरियाणा के सामने है। हरियाणा और दिल्ली में जब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब कैसे कौड़ियों के भाव पर किसानों की जमीन हथियाने का खेल खेला गया, आप सभी जानते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से किसानों को लूटने वालों को ये चौकीदार कोर्ट तक ले गया है। जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर के जूते घस रहे हैं जी। वो मानते थे हम तो शहंशाह है, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और अब पीड़ा हो रही है। एक चौकीदार, एक चाय वाला अब परेशान है। भाइयों बहनों, जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा जी। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं पूछती हूं, जो नौजवानों के को नकारे हुए 5 सालों से, किस तरह के राष्ट्रवादी हैं जो किसानों से मिलने का 5 मिनट समय नहीं निकाल सकते? ये राष्ट्रवाद नहीं है भाइयों और बहनों, ये राजनीति है। आप जागरूक हैं, इसको पूरी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज ये कहीं पे नहीं रुकने वाले। मेरे पिता जैसे शहीद को भी अपमानित करते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ एक है कि किसी भी तरह से, किस तरह से हम सत्ता को अपने लिए रखें। ये जो 2019 का चुनाव है, ये पूरा का पूरा गांधी फैमिली वर्सेस मोदी में तब्दील हो गया है।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोदी के ऊपर हमला बोलते रहे, मोदी लगातार उन हमलों को अपना हथियार बनाते रहे, जवाब देते रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा और ये काउंटडाउन भी आप जरूर देखिए, 19 घंटे 10 मिनट 20 सेकंड 19 सेकंड लगातार समय कम हो रहा है। सबसे तेज नतीजे कल सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर देखना ना भूलें। विश्लेषण भी होगा, एक एक्सपर्ट्स की टीम भी हमारे साथ मौजूद होगी। छोटा सा ब्रेक।